तो दोस्तों सीए का नया सिलेबस अनाउंस हो चुका है और नए सिलेबस के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने वैसे तो बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बट वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज इज इन डायरेक्ट एंट्री रूल। यस माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट एंट्री रूल के अंदर एक सबसे बड़ा चेंज ये किया है कि अब अगर आप सपोज बीकॉम कर चुके हैं, बीकॉम या कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आप अगर वो मिनिमम एवरेज मार्क्स लेके आते हैं, जैसे कि कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए 55% एवरेज स्कोर और नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए 60% और बहुत सारे और भी कंडीशंस हैं, तो आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन दे सकते हैं, मतलब सीए फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है। आज का ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो के अंदर मैं, निशान सर और दीपिका मैम हम लोग साथ में हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो डेडिकेटेड डिस्कशन है ओनली एंड ओनली ऑन द डायरेक्ट एंट्री रूट, करेक्ट? तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना और जितने भी आपके दोस्त हैं जो डायरेक्ट एंट्री रूट से सीए करना चाहते हैं उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, बिकॉज ये उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। निशान भाई एंड दीपिका मैम, डायरेक्ट एंट्री रूट, व्हाट कम्स टू योर माइंड एज सून एज यू हियर दिस, पहले और अभी अमेंडमेंट के बाद क्या क्या फील करते हैं आप? सर आई थिंक डायरेक्ट एंट्री रूट में अभी तो जैसे अभी वो आर्टिकलशिप वाली जो क्राइटेरिया है, वो हटा दिया गया है। तो पहले क्या था कि अगर कोई किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो उसको आर्टिकलशिप शुरू करने के लिए परमिशन मिल जाती थी, एंड अलोंग विद दैट ही कुड हैव स्टडीड फॉर सीए इंटरमीडिएट। मुझे लगता है ये एक बहुत बेटर स्टेप लिया है आईसीएआई ने कि हां जेन्युइनली बच्चा पढ़ सकता है। यस, क्योंकि आर्टिकलशिप के दौरान पढ़ाई करना काफी मुश्किल भी हो जाता है। सो अभी मुझे लगता है कि अभी जैसे इंस्टीट्यूट ने कहा कि यू हैव टू कंपल्सरीली डिवोट और डेडिकेट 8 months फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एंड यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकलशिप ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग बोथ द ग्रुप्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड स्टेप। करेक्ट, तो आई थिंक दैट इज समथिंग कमेंडेबल और काफी अच्छा चेंज है ये वाला, तो काफी अच्छा। जिसको नहीं पता मैं एक बार कंसाइसली और ब्रीफली बता देता हूं कि सीए करने के दो रास्ते होते हैं, एक होता है सीए फाउंडेशन रूट और एक होता है डायरेक्ट एंट्री रूट। तो उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैं आपको क्विकली सम अप करके बता देता हूं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स या कहीं से भी हो, दूसरा अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, तीसरा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स आपको सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। ये डायरेक्ट एंट्री रूट पहले जो अमेंडमेंट से पहले जो इसका रास्ता था वो काफ़ी मुश्किल था, जैसे निशांत भाई ने कहा है आपको आर्टिकलशिप करनी होती थी, उसके साथ साथ एग्जाम की पढ़ाई करनी होती थी और फिर लास्ट में जाकर आप कहीं एग्जामिनेशन दे सकते थे, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा चेंज किया। मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो चेंज किया है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस चेंज? इज दिस चेंज वेलकमिंग और इज इट गोइंग टू डिस्करेज द लर्नर्स? आई थिंक सर सुपर 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 वेलकमिंग, एंड आई थिंक ये उन सब बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो पहले नहीं कर पा रहे थे ये सोच के कि अरे आर्टिकलशिप के साथ मैनेज नहीं होगा। आई थिंक ये उन सब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि नाउ इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू सी ए यू कैन क्विकली join, start your studies और 2 years की articleship है, और क्या चाहिए सर? और क्या चाहिए? लेकिन यहाँ पे एक कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहला एक ना एक छोटा सा benefit और मेरे को लगता है, हाँ, बच्चों के लिए या हमारे बच्चों के लिए, अच्छा, बच्चों के लिए कि जैसे पहले क्या होता था ना, स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप तो तुरंत शुरू कर देते थे और आर्टिकलशिप के साथ साथ अगर इंटरमीडिएट क्लियर नहीं हो पाता था तो आफ्टर 3 years ऑफ आर्टिकलशिप they had nothing to go with, कि अब क्या करें, इंटरमीडिएट निकल नहीं पा रहा है, आर्टिकलशिप हमारी शुरू हो चुकी है। तो अभी आई थिंक अगर स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट की तैयारी शुरू की तो उसको पता है कि अब सीए आगे अगर इंटरमीडिएट में ये वाली लेवल की मेहनत मांग रहा है तो वो फाइनल में किस और लेवल की मेहनत मांगेगा, तो स्टूडेंट मेंटली भी प्रिपेयर्ड हो जाता है। करेक्ट, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी गुड आउटकम ऑफ द न्यूज़। सो कमिंग बैक टू द थिंग व्हाट आई वाज सेइंग दैट हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। डायरेक्ट एंट्री रूट का जो नया स्कीम है वो बच्चों के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है, बट लेट मी वॉर्न ऑल द टीचर्स, ऑल 3 ऑफ अस एंड ऑल द टीचर्स के पर्सपेक्टिव से ये उतना ही चैलेंजिंग होने वाला है। इसी चीज के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि डायरेक्ट एंट्री रूट टीचर्स के लिए क्यों चैलेंजिंग होगा, और अगर जेन्युइनली डायरेक्ट एंट्री वाला बच्चा सीए क्लियर करना चाहता है तो उसके लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं, उस पर हम यहाँ बात करने वाले हैं। डायरेक्ट एंट्री रूट में एज अ टीचर आपको क्या लगता है हमें क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे? गिव अस अ स्नीक पीक अबाउट इट। राइट सर, सो यू नो सीए इंटरमीडिएट में देयर आर अ लॉट ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन इज अ सब्जेक्ट विच इज कम्प्लीट जो आप पढ़ाते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ,
टैक्सेशन इज अ सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ इंटरमीडिएट में, एंड दैट इज कम्प्लीटली न्यू फॉर अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट. बट किसी भी स्टूडेंट ने अगर कॉमर्स स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है तो उसने कभी ना कभी थोड़ा बहुत टैक्सेशन पढ़ा हुआ होता है. करेक्ट, राइट. तो मुझे जो पहला चैलेंज आया था वो अपनी पहली क्लास में आया था, तो उसमें मैंने नोटिस किया था. अच्छा, पहली बात तो बड़ी खुशी होती है व्हेन द स्टूडेंट सामने से जवाब देते हैं ना, तो एक बड़ा अच्छा लगता है कि अरे भाई इनको तो पहले से पता है, तो दैट इज गुड. हमारा सफर आसान हो गया. बट होता क्या है कि देर आर सर्टन थिंग्स विच आर मिसफेड इन द ब्रेन्स ऑफ द स्टूडेंट्स. उनको थोड़ा सा गलत पता होता है या थोड़ा सा आउटडेटेड पता होता है. तो मुझे लगता है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू पर एक चैलेंज आता है. जैसे आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज आया था, आई वाज एक्सप्लेनिंग के जीएसटी आने से पहले क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी एग्जिस्टिंग लॉज में एंड ऑल दैट. सो जहां मैंने डबल टैक्सेशन समझाया तो स्टूडेंट स्टार्टेड सेइंग कैस्केडिंग इफेक्ट, whereas these two are completely different things. Double taxation अलग है, cascading effect completely अलग है. And the students they say it with so much of confidence कि कई बार अपना confidence हिल जाता है यार कि अच्छा. तो यार कुल मिलाकर कहने वाली बात ये है कि अगर मुझे लिखने के लिए एक कोरी किताब दी जाए versus मुझे एक भरी हुई किताब दी जाए जहाँ पे मुझे पहले इरेज करना है और फिर बाद में वापस लिखना है, आई विल ऑलवेज सेलेक्ट अ ब्लैंक बुक. एग्रीड बोथ ऑफ यू? 100%. सो डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों के साथ हमारा एज अ टीचर जो चैलेंज है, सबसे बड़ा जो निशांत भाई ने कहा है, वो ये है कि हमें आप लोगों को पहले डी लर्न करवाना पड़ेगा और फिर रीलर्न करवाना पड़ेगा. हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने जो पढ़ा है गलत है. आपने जो पढ़ा है वो थोड़ा है, इनकम्प्लीट है और शायद आउटडेटेड भी हो सकता है. शायद आउटडेटेड. मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ. मैं कंपनीज की बैलेंस शीट सिखा रहा था. अभी हम सबको पता है कंपनीज एक्ट 2013 आ चुका है और शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बनती है. 10 साल पहले आ चुका है. वो भी 10 साल पहले. मैं वो बैलेंस शीट बता रहा था और एक बच्चा कहता है, इज दिस शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956? नाउ दिस इज समथिंग विच वी नेवर इवन इमेजिन इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम कि 10 साल पहले कोई कानून बदल गया है और आज आप पुराना कानून. देन वो बच्चा लिखता है कि हाँ, हम डायरेक्ट एंट्री से है. तो यार एक सबसे बड़ा चैलेंज जो एज ए टीचर हम लोग ये फेस करते हैं ना, कि हम जब भी इंटरमीडिएट की बैचेस लेते हैं, पढ़ाते हैं, तो हमारा एक बेसिक अजम्पशन होता है कि यार इतना तो बच्चे को आता ही होगा. और अभी तक जब डायरेक्ट एंट्री कोर्स चेंज नहीं हुआ था तो बैच का कंपोजिशन होता था कि ज़्यादातर बच्चे 95% बच्चे ऑलमोस्ट जो है फाउंडेशन रूट वाले होते थे और डायरेक्ट एंट्री वाले प्रपोर्शन काफ़ी कम होते थे. लेकिन अब ये प्रपोर्शन बढ़ गया है. मैम, लॉ के अंदर क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? सर, काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं बिकॉज लॉ, जैसे मुझे ऐसा लगता है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, ऑलवेज वेरी डेंजरस. तो क्या है कि बच्चे थोड़ा बहुत तो सीख के आए होते हैं और फिर वो जब कॉन्सेप्ट रिलेट नहीं कर पाते हैं जो उनके दिमाग में ऑलरेडी कुछ कुछ है. फॉर एग्जांपल, जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती है, कंपनी क्या है, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में फ़र्क क्या है, तो ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं. तो क्या है, छोटी छोटी चीज़ें, अब फाउंडेशन रूट से जो बच्चे आते हैं उनमें ऑलरेडी कंपनीज एक्ट, थोड़ा बहुत लॉ में चीज़ें पढ़कर आते हैं, बेसिक नॉलेज होती है. बट डायरेक्ट एंट्री तो बेसिक बहुत कम होता है. तो एनी विच वेज, आई थिंक सबको अगर कोई प्लान भी कर रहा है डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट रूट में आने के लिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना खुद के लिए स्टार्ट करना चाहिए ताकि खुद के लिए बेटर होगा. एनी विच वेज, नॉलेज गेन करना तो हमेशा. मतलब मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगा कि अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं और आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हैं, तो आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप इवेलुएट कर रहे हैं कि आपको डायरेक्ट एंट्री से करना चाहिए या फाउंडेशन से करना चाहिए. निशांत भाई, ऐसे बच्चे को आप क्या एडवाइस करेंगे, कौन सा रास्ता ज़्यादा बेहतर रहेगा? सर, मैं तो हमेशा ही फाउंडेशन रूट ही वो करता हूँ. फाउंडेशन रूट बेस्ट होता है बिकॉज दो रीजंस हैं. एक तो जो हम सब ने चैलेंजेस फेस किए वो भी, कि स्टूडेंट का एक नॉलेज बेस बन जाता है. करेक्ट. दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि देखो, जब भी आप 11th 12th के एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो या जब आप बीकॉम के एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो, तो जो एग्जामिनेशन का लेवल होता है ना और जो आपका आंसरिंग पैटर्न होता है और जो सीए का पैटर्न है, जो सीए का एग्जाम का लेवल है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो व्हेन यू आर अपियरिंग थ्रू फाउंडेशन रूट, तो वो आपको फाउंडेशन बेसिकली एक तरह से आपको प्रिपेयर करवाता है, एक तरह से आपको प्रिपेयर वार्म अप देता है. हाँ, वार्म अप देता है. वार्म अप देता है, पन इंटेंडेड. इट मेक्स योर
brain ready yes to take up the challenges the right. level of concepts which you are going to study at CA intermediate level exactly aap bhi foundation recommend karenge yes sir totally bahut hi badhiya bilkul bilkul sir aur usme kya hota hai na direct entry mein because student ki aadat pad chuki hoti hai ki bcom mein aasani se clear kiya ja sakta hai although I'm not disgracing bcom at all I'm sure bcom ke exams ye main baat second karunga please koi bhi is video ko negative sense mein mat lo hum logon ke liye har स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है बट हमें लगा कि ये एक बीमारी है एक प्रॉब्लम है और उस पर बात होनी चाहिए और अगर हम बात करेंगे तभी आप लोग इसके लिए प्रिपेयर होते हैं और बेटर तरीके से अपीयर कर पाओगे बिकॉज़ अब एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसा है जो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू सीए इंटरमीडिएट में आने वाला है पहले इंटरमीडिएट में आने का और कोई रास्ता नहीं था लेकिन अब ये बहुत बड़ा रास्ता आईसीआई ने खोला है और हम तो चाहते हैं राइट हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए सीए करें यार कॉमर्स के अंदर या नॉन कॉमर्स के लिए मैं बता रहा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इतना अच्छा करियर ऑप्शन है ना जहाँ पे खर्चा ज्यादा नहीं है जहाँ पे आरक्षण नहीं है अरे आई वाज अ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट सर या बेस्ट एग्जांपल है हां मैंने मेरे पास 11th 12th में साइंस थी आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई उसके बाद फिर मैं सीए में आया हूं एंड नॉट जस्ट नाउ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वन ऑफ द टॉप एजुकेटर दोनों टीचर से और फिर मेरी फाइनल टिप्स निशांत भाई थ्री टिप्स फॉर डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट इफ दे वॉन्ट टू क्रैक सी ए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन नंबर वन Always have an open mind. You give your three tips the way you give. You haven't understood why I asked you three tips. You tell me if you can identify why I asked him only three tips. Okay. ज़्यादा डिटेल के लिए इंस्टाग्राम चेक करो. Okay. Three tips if you want to clear CA intermediate by direct entry route. Number one. Okay, no, on a serious note, one, you have to have an open mind. You have to know that whatever you have studied, it needs an improvement, right? तो जरूरी नहीं है कि वो जो आपने पढ़ा है वो एकदम सही है या वो एकदम गलत है वो मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है जस्ट सेइंग कि उसमें थोड़े से और डेप्थ की जरूरत है सर ने बहुत एकदम एप्टली उसको पुट किया है कि हमें उसको और डेप्थ में जाने की जरूरत है राइट जैसे आप लोगों ने स्कूल वगैरह में भी देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 8th में अलग लेवल का है फिर 10th में आते आते तक उसमें कुछ लेवल्स और बढ़ते हैं तो दिस इज एग्जैक्ट सेम थिंग आपने बीकॉम में जो पढ़ा है दैट इज वेरी गुड बट अब सीए में यू हैव टू बी रेडी विद फॉर द पॉसिबिलिटीज कि अब इसमें और डेप्थ आने वाली है दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप सेकेंडली बी प्रिपेयर टू वर्क वेरी वेरी हार्ड राइट बी प्रिपेयर टू वर्क वेरी वेरी हार्ड मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि सर स्मार्ट वर्क तो हार्ड वर्क से बेटर होता है ठीक है तो आई ऑलवेज टेल देम कि स्मार्ट वर्क इज ओनली द आउटकम ऑफ हार्ड वर्क आप पहले हार्ड वर्क अगर करते रहोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू रियलाइज कि इस काम को स्मार्टली आप कैसे कर सकते हो राइट सो बी प्रिपेयर टू वर्क वेरी वेरी हार्ड एंड नंबर थ्री रिविजन्स रेगुलर रिविजन्स बहुत जरूरी हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं यहाँ पर ऐसे नहीं हो सकता कि आपने एग्जाम से एक रात पहले पढ़ा और अगले दिन जाके एग्जाम दे दिया और आप क्लियर हो गए आपके डिस्टिंक्शन आ गया ऐसे नहीं हो सकता तो यहाँ पर यू हैव टू बी कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी इज अ की ओके दैट्स अमेजिंग निशांत कुमार की ये तीन अमेजिंग टिप्स डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों के लिए और अब दीपिका मैम आप कुछ कॉपी नहीं कर सकते जो निशांत सर ने कहा सर सर ने सब सारे पॉइंट्स ले लिए क्या दोस वो तो थ्री पॉइंट्स आई वाज थिंकिंग मेरे ऊपर कितना दबाव होगा लुक एट माय इनोसेंट फेस कितना दबाव होगा मेरे ऊपर आप दोनों की 6 टिप्स के बाद मेरी टिप्स कौन सुनेगा सर सुनेंगे सर ओके माय थ्री टिप्स फर्स्ट वुड बी पॉजिटिव क्योंकि बच्चे पॉजिटिविटी लूज कर जाते हैं पढ़ते वक्त सो बी पॉजिटिव सेकंड बिलीव ऑन योरसेल्फ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कम इनटू सच कोर्सेज यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हो और आप कर लोगे ऐसा कोई कोर्स है ही नहीं जो आप डिसाइड कर लो और ना कर पाओ एंड द थर्ड थिंग वुड बी पेशेंस पेशेंस इज द की टू सक्सेस ये तो छोड़ देते तीन ही तो चीजें हैं मेरे पास ठीक है अमेजिंग मेरे हिसाब से ना जो तीन टिप्स मैं देना चाहूँगा पहली टिप मैं दूंगा हैव अ प्रॉपर माइंड सेट ठीक है अब यहाँ पे थोड़ा एलैबोरेट करूँगा मैं सबसे बड़ा डिफरेंस पता ही होगा कि आप लोग ना उनके साथ क्लास में बैठे हो जो बच्चे हैं जूनियर्स है 3 साल का गैप है डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे में और फाउंडेशन रूट वाले स्टूडेंट में 3 साल का गैप है तो आपको ना अपना एक माइंड सेट बनाना होगा और ईगो को साइड में रखना होगा बिल्कुल
कि हम बड़े हैं, हमें बहुत कुछ आता है, हमें बहुत कुछ नॉलेज है, उसको साइड में रखना होगा. यू हैव टू बी अ लर्नर इन द क्लास एट पार. यू मे नो जीएसटी, यू मे नो अमालगमेशन, यू मे नो लॉ, वट एवर इट इज, बट वट एवर यू नो इज इनकम्प्लीट, इनएडिक्वेट एंड नॉट इन द वे हाउ आईसीआई एक्सपेक्ट. एग्जैक्टली करेक्ट. थैंक यू सो मच. आईसीआई एक्सपेक्ट्स. सो दैट्स द फर्स्ट टिप. सेकेंड टिप इज आई वुड से दैट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड टू डू 2x ऑफ हार्ड वर्क एज कम्पेयर टू द फाउंडेशन स्टूडेंट. फाउंडेशन स्टूडेंट और आप में एक सबसे बड़ा गैप ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब डायरेक्ट एंट्री का स्टूडेंट ग्रेजुएशन करता है तो वो जील, वो एंथुजियाज्म जिससे वो 10th 11th 12th तक पढ़ाई करता है वो उतनी मेंटेन नहीं होती है. प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना ये सही है कि नहीं है. अब आप जब इंटरमीडिएट पढ़ने जाओगे ना तो आपको ऑल ऑफ द सडन एक बहुत हाई लेवल की स्टडीज़ को टैकल करना है. तो उसको टैकल करने के लिए ना आप ये नहीं देख सकते अच्छा ये बच्चे ने 2 घंटे पढ़ाई की है तो मैं भी 2 घंटे पढ़ाई करके सेम रिजल्ट अचीव कर सकता हूँ. यू हैव टू बी प्रिपेयर टू वर्क 2x. और तीसरा टिप, मुझे पता नहीं आप इसको कैसे लेंगे पॉजिटिवली या नेगेटिवली, बट मेरी टिप रहेगी बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर. आप CA कर रहे हैं ना और डायरेक्ट एंट्री रूट से कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फेल होंगे ही होंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. पहले दिन से एक माइंडसेट रखो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ पहले दिन से माइंडसेट रखना है कि फेल होना है. मैं ये कह रहा हूँ माइंडसेट रखो कि ठीक है मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले मैं ग्रुप 1 से स्टार्ट करता हूँ. अगर मुझे नहीं लग रहा है कि मुझसे ग्रुप 1 पूरी तरह टैकल नहीं हो रहा है तो मैं G2 चालू ना करूँ. मैं सही कह रहा हूँ सर? करेक्ट करेक्ट. मैं सिर्फ G1 की एग्जाम दूँ, उसको क्लियर करूँ, अगले अटैम्प्ट में G2 निकाल लूँ. ये जो एक कीड़ा होता है ना अंदर, एक सामाजिक कीड़ा भी होता है कि मुझे इंटर दोनों ग्रुप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना है, उसको अपने दिमाग से निकालना है ना. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डेफिनेटली क्रैक इट. करेक्ट करेक्ट. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सर, बोथ ऑफ यू. इट वाज एन अमेजिंग सेशन एंड आई बिलीव दिस सेशन वाज वेरी यूजफुल फॉर ऑल द डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स. प्लीज शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स. लेट एवरीवन नो दैट यस नाउ द CA इंस्टीट्यूट हैज ओपन देयर आर्म्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स SRK, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ डायरेक्ट एंट्री रूट. एंड प्लीज CA इज अ वंडरफुल कोर्स, बिलीव मी. ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज. बहुत पैसा है, नाम है, शोहरत है, इज्जत है, सब कुछ है. और बाकी तो हम कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे. थैंक यू सो मच.